कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज पे। मैं हूं सचिन। गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में जनरली हम बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज आफ्टर 12th। तो गाइस, अगर आप भी क्लास 12th PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पास आउट कर चुके हैं या आप पास आउट करने वाले हैं, तो अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंडिया के कौन कौन से टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं जो कि आप क्लास 12th के बाद कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार कैरियर से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस, चलिए वीडियो सेशन की स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट नंबर में हमारा है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप अगर 12th PCM से पास आउट हैं तो आप BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। अगर इसके कोर्स ड्यूरेशन की बात करें गाइस, तो जनरली ये 4 ईयर्स का कोर्स होता है जिसमें जनरली 8 सेमेस्टर्स होते हैं। सेकेंड हमारा है BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि आप BTech CSE से कर सकते हैं। यह भी जनरली 4 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। थर्ड गाइस हमारा है बैचलर ऑफ टेक्निकल इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि आप BTech सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से कर सकते हैं। यह भी जनरली 4 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारा है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी कि आप BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। यह भी जनरली 4 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इस पर गाइस हमारा आता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आप BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्टर से जनरली कर सकते हैं। यह भी जनरली 4 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसके बाद गाइस 6th नंबर पे आता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि BE आप सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर से कर सकते हैं। यह भी जनरली 4 ईयर्स का ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसके बाद हमारा है BTech इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि आप BTech इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से कर सकते हैं। यह भी जनरली 4 ईयर्स का ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसके बाद गाइस हमारा आता है BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनरली आप BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है BE इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि आप BE कोर्स जनरली आप कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग सेक्टर से कर सकते हैं। यह भी जनरली 4 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसके बाद गाइस हमारा है BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जनरली आप BE कोर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम से कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हमारा आता है BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि BTech आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। इसके बाद आप फिर से हमारा है BE इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आप BE कोर्स कर सकते हैं। इससे बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है इसके अकॉर्डिंग आप इन सारे स्ट्रीम्स को चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हमारा आता है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आप कर सकते हैं। यह जनरली 3 ईयर्स का ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसके बाद गाइस हमारा आता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि BE कोर्स को आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है BE इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर इसके बाद हमारा है BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके बाद BE इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप कर सकते हैं। इसके बाद आप BTech बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। BTech आप केमिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप BTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग यानी कि MI से कर सकते हैं। ये सारी कोर्सेज जनरली 4 ईयर्स के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं। इसके बाद हमारा है BTech आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। फिर हमारा BTech आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जनरली कोर्स कर सकते हैं। ये सब सारी कोर्सेज जनरली 4 ईयर्स के और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होती हैं। इसके बाद आप बैचलर ऑफ टेक्निकल इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी कि आप BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेक्टर से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेटा साइंस, यानी कि आप BTech डेटा साइंस से कर सकते हैं अगर आपका डेटा साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है। इसके बाद आप BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। फिर इसके बाद कोर्स हमारा आता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी कि आप BE जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सेक्टर से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी, यानी कि आप BE कोर्स जनरली फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है कि BTech आप साइबर सिक्योरिटीज कर सकते हैं। BE कोर्स आप जनरली इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग से कोर्स परस्यू कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है कि BE आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। इसके बाद आप BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। आप BTech आप जनरली मेगाट्रॉनिक्स या फिर इसके बाद जनरली 4 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसके साथ आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये जनरली 3 ईयर्स का ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसके बाद आप BTech एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और आप BE जनरली माइनिंग इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। तो ये रहेगा इस हमारे इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं जो कि जनरली आप क्लास 12th के बाद जनरली सारे कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा,
और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।